अच्छा जी, बॉलिंग। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है और क्लास बाकायदा शुरू हो गई है। और आज वोकैबलरी है, जैसा कि यहाँ लिख दिया है, और कल ग्रामर होगी, ग्रामर एंड यूसेज, सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर के लिए। और वोकैबलरी का मेरा तरीका आपने देखा होगा बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, और मैं खुद खड़े होकर क्लास में वोकैबलरी करवाता हूँ। ड्रिल मेथड अभी मैंने अप्लाई किया है, आगे चलकर मैं एक और मेथड है मेरे पास, वो मैजिक क्लास होगी। एक ही क्लास में इंशाल्लाह 1000-1500 वर्ड्स यूं हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो अभी नहीं, वो आगे जाकर, तो अभी वो स्टेज नहीं आए। अभी मैं ड्रिल में सिमेंटिक्स और एटिमोलॉजी अप्लाई कर रहा हूँ और मीनिंग आपको समझा रहा हूँ। मेरे लेक्चर को, वोकैबुलरी के लेक्चर को बड़े गौर से देखना भी है और सुनना भी, तो ये अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में उतर जाएंगे और आप कभी भी इनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं मीनिंग नहीं बताता, मैं मीनिंग्स एक्सप्लेन करता हूँ। और ग्रामर एंड यूसेज में आपको पता है कि मेरा तरीका क्या है, कि आप YouTube पर जो मेरा चैनल है उस पर ग्रामर वैसे भी पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ मुझे यहाँ करवानी होती है वो मैं पहले कहता हूँ कि आप वहाँ से देख कर आए, ताकि जितना वहाँ पर हुआ है उससे आगे हम यहाँ चलें, बजाय उस चीज़ को रिपीट करने के। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती कि मैं उससे आगे चलूँ। आगे एक समंदर है, दरिया है, बहुत बड़ी। ग्रामर तो शुरू उससे बात से होती है, जहां तक आपने पढ़ी, ठीक है ना, उसके बाद से शुरू होती है। खैर, वोकैबुलरी में पहला वर्ड आज आपके सामने आ रहा है ये, हाँ जी, केयरस, बहुत आसान वर्ड। अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने ये वर्ड कहाँ देखा होगा। फ्रेंच में ये वर्ड ऐसे लिखा जाता है, ये फ्रेंच, वो इंग्लिश है, इंग्लिश, ठीक है ना। केयरस के मीनिंग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो अब मैं आपको बड़ा आसान सा हल बताता हूँ। देखिए, इसका आपने ये वर्ड देखा कहाँ, तो एक लोशन आता है, बॉडी लोशन या फेस क्रीम आती है, फेशियल क्रीम, जिसका नाम है केयरस, घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, कोल्ड क्रीम वगैरह के तौर पर क्रीम का नाम, ठीक है ना। तो ये वर्ड देखा तो आपने वहां, ठीक है, लेकिन अब इसके मीनिंग क्या होंगे। अच्छा, जो आपके सामने वर्ड आएगा ना, तो उसके आप स्नैपशॉट ले लेंगे। अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि केयरस की दोबारा से स्क्रीन दिखाई जाए, तो मैं उसमें से कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई और स्क्रीन पर चार ऑप्शन, हेट, किस, एडोर, फॉन्डल। अच्छा, इसकी आप स्नैपशॉट ले लें, मैं इसी पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो वर्ड है ना हेट, बस इस चारों ऑप्शंस में यही एक वर्ड है जो डिफरेंट है। बी, सी और डी जो है, तीनों के तकरीबन तकरीबन सेम मीनिंग है, तकरीबन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बी सी डी में से कौन सा आंसर है, क्योंकि केयरस का मतलब हेट तो नहीं हो सकता, इसके इसमें से ही वर्ड निकला है केयर, तो हेट कैसे हो जाएगा मीनिंग। अब बी जो ऑप्शन है किस, सी है अडोर और डी है फॉन्डल। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके। देखिए, आपके सामने एक छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी आपके सामने आए या आप उसके सामने आए, तो आपका दिल चाहता है तो उसके नन्हे मुन्ने हाथों को मैं अपने हाथों से छू लूं, आप उसे छू कर प्यार करते हैं, उसके गाल पकड़ते हैं, उसके नन्हे नन्हे हाथों को, पैरों को छूते हैं, आपको लुत्फ आता है, क्योंकि ये प्यार का अंदाज है। इसे कहते हैं फॉन्डल, हाथ से छू कर प्यार करने को कहते हैं फॉन्डल। नेक्स्ट वर्ड था यहाँ पर एडोर।
एडोर क्या है, उसी बच्चे को जब आप दूर से देखते हैं तो आप करीब नहीं हो उसके, तो उसके लिए प्यार आपकी आंखों में आता है, आंखों से छिड़ता है। उस बच्चे को आप मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, एडोर मोहब्बत के उस इजहार को कहते हैं जो आंखों से, निगाहों से। और तीसरा वर्ड, जब वो बच्चा करीब आ जाता है, आपकी गोद में आ जाता है, तो आप उसे फिर होंठों से प्यार करते हैं, इसके लिए वर्ड आता है किस। ठीक है, अच्छा। अब केयरेस, मैंने कहा था क्रीम का नाम है, तो क्रीम कैसे लगाई जाती है, ना आंखों से लगाई जाती है ना होंठों से लगाई जाती, क्रीम तो हाथों से लगाई जाती है। ठीक है, तो फॉन्डल के मीनिंग, केयरेस की मीनिंग क्या है, फॉन्डल, क्योंकि आप बड़े प्यार से मुलायमियत के साथ हाथों से क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे पर, इसी तरह हाथों से प्यार करने की फॉन्डल, तो केयरेस का एक्चुअल मीनिंग है फॉन्डल। ठीक है, फॉन्डल याद रखिएगा, मैंने रेफरेंस भी दिया है, इसी तरह से हर वर्ड के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है तो आपको याद रखनी है, जिससे आप सीखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने आ रहा है वो है ये, देखिएगा, और वो वर्ड ये कैलो। ये जो वर्ड है कैलो, कैलो की मीनिंग क्या है, अब देखिए, हार्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, डेडली, सुपरफिशियल। बेसिकली कैलो का जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज और मिडिल इंग्लिश से आया है, और कैलो के मीनिंग समझना बड़ा आसान है। देखिए, एक शख्स, एक ऐसा शख्स जिसकी, ये इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा आप, एक ऐसा शख्स जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जाहिर है तो वो अभी कुंवारा है मगर उम्र बहुत हो गई है, एक ऐसे शख्स को भी कैलो कहते हैं। कैलो उसको भी कहते हैं जो बड़ा तो हो गया है लेकिन मेंटली, जहनी तौर पर बड़ा नहीं हुआ, अभी बच्चा है, इमैच्योर, इमैच्योर। ठीक है, किसे कहते हैं, इमैच्योर, जो मैच्योर नहीं है, जो बड़ा तो हो गया है बजाय, अच्छी खासी उम्र भी हो गई है लेकिन जहनी तौर पर अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है ना, जहनी तौर पर वो उसे वो बड़ों वाली अकल नहीं आई थी, बचकानापन है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं कैलो। क्या कहते हैं, कैलो, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आया है ये, और वर्ड है कॉल्ड्रॉन। ये तो बड़े मजेदार वर्ड है, आप सबने देखा भी है लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, आज पता चलेगा, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक चीज है, एक चीज है, तो अब देखिए यहां पर लार्ज कैटल, ब्यूटी, बस्टी, वर्लपूल, चार ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, और इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो चीज तो इन चारों में से एक ही है और वो है लार्ज कैटल। तो मैं बताता हूँ ये कौन सी लार्ज कैटल है, जरा गौर से देखिएगा बोर्ड पर, देखिए, ईरान, इराक, तुर्की, यानी ऑलमोस्ट वेस्टर्न एशिया का जो रीजन है, वादिय सीना और वादिय नैनवा, और जो नैनवा और बाबुल की तहजीबें हैं, तो ये शुरू हो जाती हैं अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये वाला एरिया है तकरीबन, ये वेस्टर्न एशिया कहलाता है वैसे। तो यहाँ पर बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सकाफत है इनकी, और वो क्या है, इस शक्ल का एक बर्तन आपने देखा होगा, फिर मैं बताऊंगा अभी इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, इस शक्ल का ठीक है ना,
इस शक्ल, बड़ी सी कैटल होती है, कद आदम यानी अच्छी खासी ऊंची होती है, इंसान के कद से जरा छोटी या बड़ी भी हो सकती है। इसको उर्दू में हम कहते हैं समावार। इसको क्या कहते हैं? समावार कहते हैं। अमूमन इसमें कहवा या चाय वाय जो है वो पेश की जाती है। इसमें एक्चुअली ये बॉयलर होता है। क्या होता है? बॉयलर। अब इस बॉयलर में पानी उबल रहा हो, नीचे इसमें कोयले रखे हो, ठीक है ना। अच्छा एक और है, रशिया वगैरह में जो इस्तेमाल होता है उसमें ऊपर की जानिब से एक पाइप होता है, ठीक है, और ऐसे दरमियान में एक अंगीठी होती है और चारों तरफ से हॉलो स्पेस होती है और बड़ा खूबसूरत सा इस शक्ल का बना हुआ होता है। यहां से जलते हुए डाल दिए जाते हैं जो यहाँ आ जाते हैं और यहां से जो है पानी ऐड कर दिया जाता है, वो पानी यहाँ आ जाता है जो हीटअप होने लगता है, बॉयल होता है। इस तरह का बॉयलर होता है, ये ऊपर तक जा रहा होता है और ये यहीं खुल जाता है, ठीक है ना। तो इस शक्ल का होता है, ये भी एक कैटल टाइप होती है इसको भी कॉल्ड्रॉन कहते हैं। तो ये एक लार्ज कैटल है जो हमारे यहाँ आमतौर पर नहीं पाई जाती या फाइव स्टार होटल्स वगैरह में एज अ डेकोरेशन पीस सजाई जाती है, वरना हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये चीज आम नहीं है, लेकिन वेस्टर्न एशिया में तुर्की और ईरान में बहुत ज्यादा कॉमन है। हर चाय के होटल पे अवेलेबल होती है और इसमें चाय या कहवा तैयार करवा किया जाता है या आमतौर पर बॉयलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन मीन्स अ लार्ज कैटल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तस्वीर याद रहेगी आपको तो वैसे याद हो जाएगा ये वर्ड। उर्दू में कहते हैं समावार। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आपके सामने अब आ रहा है, दो तीन दफा मेरा लेक्चर देखेंगे तो अल्फाज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद। कैमियो, ये जो वर्ड आया ना कैमियो, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और एक दफा अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुन लिया तो ये वर्ड आप कभी नहीं भूले भाई। चार ऑप्शन है, प्रेजेंट विथ माइनर रोल फैलेसी, ठीक है ना। मैं इसके मीनिंग बताता हूँ। प्रेजेंट का तो मतलब होता है मौजूद, विट का मतलब होता है अकल और विट मजाक को भी कहते हैं, माइनर रोल और फिर फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? यही गलती करने की सलाहियत। अच्छा जी, अब कैमियो के मीनिंग कहाँ से आएंगे इसमें, तो देखिए आप जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। ये जो वर्ड है ना कैमियो कहाँ यूज होता है, देखिए एक्चुअली ये किसी फिल्म या थिएटर में, किसी फिल्म या थिएटर में जो माइनर रोल होता है उसे कहते हैं कैमियो। लेकिन हर माइनर रोल को नहीं, देख एक माइनर रोल तो ये होता है कि पूरी फिल्म में एक मिनट के लिए कोई कैरेक्टर आया और चला गया और आपने उसको ध्यान भी नहीं दिया। जैसे किसी घर का मुलाजिम है या किसी का ड्राइवर है तो उसका रोल कितना मेजर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, वो माइनर रोल होता है, उसको नहीं कहते फिर किसको कहते हैं आप सुनिएगा। फर्ज कीजिए किसी प्रोड्यूसर ने एक मूवी, एक फिल्म बनाई जिसकी सारी की सारी कास्ट जो है वो न्यू है, हीरो भी न्यू है, हीरोइन भी न्यू है, विलन भी न्यू है, सारी कास्ट जो है वो जूनियर है और न्यू, पब्लिक उन्हें नहीं जानती। जब वो सिनेमा पर पोस्टर लगेगा तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो इस हीरो या इस हीरोइन से फेमिलियर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कैसा हीरो है कैसी है। तो प्रोड्यूसर ये चाहता है कि अमिताभ बच्चन से बात की जाए और एक दो मिनट या पांच मिनट का रोल ले लिया जाए या 10-15 मिनट का पूरी फिल्म में। अमिताभ बच्चन जाहिर है कि वो जानता है कि ये मुझे क्यों ले रहे हैं, है ना, क्योंकि इनकी फिल्म उड़ जाए, बिजनेस चल जाए इनका, मार्केट करे फिल्म, तो वो पर आर के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से चार्ज करेगा, करोड़ों रुपए वो लेगा। इतनी पूरी फिल्म में किसी ने नहीं होंगे जितना अमिताभ ले लेगा 10-15 मिनट के रोल के लिए, और फिर वो उस फिल्म में रोल आ जाएगा उसका, यानी वो शुरू में आ गया उसके बाद मर गया उसके बाद आखिर तक उसका रोल दोबारा नहीं आया, है ना। थोड़ा सा रोल दे दिया उसको हीरो के बाप का रोल, उसके बाद उसका मर्डर हो गया तो वो भूल भाल हो गया, उसके बाद कहानी शुरू हो गई ऐसा रोल तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब उस फिल्म का जो पोस्टर बनेगा उसमें सबसे बड़ी तस्वीर अमिताभ बच्चन की होगी और बाकी जो दूसरी कास्ट हीरो हीरोइन वगैरह उनकी तस्वीर होंगी। तो लोग
अमिताभ की तस्वीर देखकर समझेंगे कि ये अमिताभ की फिल्म है जिसमें अमिताभ का रोल है, वो फौरन टिकट लेकर सिनेमा आ जाएंगे और खूब बिजनेस करेगी वो फिल्म, ठीक है ना। वो अलग बात है कि एक दफा देखने के बाद लोग कहेंगे यार ये क्या मजाक है, 15 मिनट को। हाँ, हीरो हीरोइन का अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोल है, उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, कहानी बहुत सॉलिड है, तो कहानी की वजह से फिल्म उड़ जाएगी, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो जरूरी था। तो ऐसा रोल जो है ना, जो माइनर तो है लेकिन बहुत अहम है, इसे कहते हैं कैमियो। तो यहाँ पर जो रोल है आपका अमिताभ बच्चन का, वो कहलाएगा कैमियो। तो कैमियो सपोर्टेड मूवीज बनती है बाद औकात, ठीक है। कैमियो के बगैर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। कैमियो का मतलब होता है माइनर रोल या स्मॉल रोल इन अ मूवी और थिएटर। अब आइए नेक्स्ट वर्ड, सेंसर। अच्छा जी, सेंसर। अब ये वर्ड जो आया है, एक तो सेंसर होता है, उसकी स्पेलिंग जरा डिफरेंट होती है, जो सेंसर बोर्ड वाला सेंसर है वो अलग। ये सेंसर कहां से आया, तो इसमें रूट जो नजर आ रहा है, जिस वर्ड को मैं ब्रेक करता हूं, देखो ये सेंस, एक सेंस होता है ये, मगर ये है सी से। ये सेंस आपने कहां देखा, ये वर्ड आपने कहां देखा, ठीक है। वापस आइए बोर्ड की तरफ, और सेंसर में से ये रूट निकाला मैंने, सी ई एन एस ई, सेंस। ये वर्ड आपने कहां देखा, ये वर्ड आपने देखा है यहां। एक वर्ड अमूमन इस्तेमाल होता है इनसेंस। इनसेंस किसे कहते हैं, सुने कभी आपने अगरबत्ती खरीदी है? अगरबत्ती क्या होती है, तो एक पतली सी स्टिक होती है, उसके ऊपर एक खास मसाला लगा होता है जिसे जलाते हैं, खुशबू फैलती है। अगरबत्ती जो होती है, इसके ऊपर पैकेट के ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा होता है, इनसेंस स्टिक। इनसेंस स्टिक बेसिकली इनसेंस कहते हैं खुशबूदार मटेरियल जिसे जलाने से खुशबू आए। जैसे अक्सर लोग घरों में या बुद्धिस्ट और हिंदूज जो हैं, वो पूजा के वक्त धूनी वगैरह देते हैं, धुएं की, लोबान की धूनी देते हैं, है ना। तो वो इनसेंस, लोबान क्या है, इनसेंस एक पाउडर आता है जिसे जलाने से खुशबू फैल जाती है। अच्छा, इसी तरह से आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा, हिंदुओं के यहाँ जो है वो एक हवन होता है, हवन। ये अवन का बिगड़ी हुई शक्ल है हिंदी में हवन। हवन में क्या होता है, आग जल रही होती है, दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं और पंडित जो है वो पढ़ रहे होते हैं श्लोक, और हवन के अंदर कोयले जल रहे होते हैं, लकड़ियां जल रही होती हैं, आग चल रही होती थोड़ी सी, और बारी बारी बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद पंडित जो है वो किसी पाउडर फॉर्म की चीज को उठाता है और हवन में फेंकता है, तो एकदम से धुआं सा निकलता है और दूर तक उसकी महक पहुंच जाती है, इसे भी इनसेंस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारे यहाँ मिलाद वगैरह में, मजलिसों में और कुरान खानियों में हम एक कप के अंदर आटा भर के और 4-6 अगरबत्तियां खड़ी कर देते हैं, उसमें जला देते हैं, तो अगरबत्ती से खुशबू फैलती है, अगरबत्ती भी इनसेंस है, ठीक है ना। लेकिन सेंसर किसे कहेंगे, सेंसर उस कंटेनर को कहते हैं, उस बर्तन को कहते हैं जिसमें इनसेंस को जलाया जाता है। जैसे मंडप में हिंदुओं के यहाँ जो शादी होती है वो मंडप में होती है, और मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, तो पंडित जो है वो आग जलाकर रखता है सामने, तो वो आग एक बर्तन में जलाई जाती है, उस बर्तन को कहते हैं सेंसर, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर इनसेंस डाला जाता है जलने के लिए ताकि उससे खुशबू फैले, ठीक है। तो उस बर्तन को कहते हैं सेंसर जिसमें इनसेंस को जलाया जाए, तो कंटेनर फॉर बर्निंग इनसेंस।
इंसेंस को बर्न करने के लिए जो कंटेनर यूज होता है उस कंटेनर को कहते हैं सेंसर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, गौर से देखिएगा। ये आ गया वर्ड आपके सामने और नेक्स्ट वर्ड बड़ा दिलचस्प है और वो है सेंटिनरी। चार ऑप्शन है, स्पेसिफिक पीरियड या सेंट्रल या 100 ईयर्स या अननेसेसरी। अब कौन सा होना चाहिए, ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं? तो देखिए वापस आइए बोर्ड की तरफ। तो सेंटिनरी में ये नेरी तो वही वाला है जो डिक्शनरी में होता है ना। सेंटी CENT, सेंट का मतलब क्या होता है? CENT, अगर SCENT होता सेंट तो उसे कुछ भी कहते हैं, लेकिन CENT सेंट का मतलब क्या होता है? 100। इसीलिए आप कहते हैं ना पर सेंट, तो पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो 10% तो 10/100, 5% 50% तो 50/100। तो पर का मतलब होता है अपॉन, तो सेंट का मतलब होता है 100। अब सुने, सेंटिनरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। अब एक बात है, देखिए किसी शख्स की 100 साल बरसी है या 100 साल सालगिरह है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ आज की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है? अगर फर्ज कीजिए 25 साल हो गए हैं तो हम कहते हैं सिल्वर जुबली, ठीक है ना। 25 साल अगर हुए हैं, किसी की 25वीं सालगिरह है या किसी इदारे की 25वीं सालगिरह है, किसी बिल्डिंग को बने 25 साल हो गए हैं या किसी इदारे को कायम हुए 25 साल हो गए, तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, तो हम कहते हैं सिल्वर जुबली ईयर है। अगर 50 साल हो गए तो गोल्डन जुबली, क्या कहलाती? गुड। और अगर 100 ईयर्स हो गए तो हम कहते हैं डायमंड जुबली। इस जो डायमंड जुबली है ना, ये बहुत बाद में ही वर्ड बना है। एक्चुअली जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है सेंटिनरी। क्या है? सेंटिनरी, राइट। अगर मैं इसको आपको यूं समझाऊं कि एनिवर्सरी का जो आखिर में ARY है वो सेंटिन में लग गया तो सेंटिनरी। तो किसी भी चीज की या शख्स की या किसी इदारे की जो 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो दैट ईयर इज कॉल्ड सेंटिनरी ईयर, ठीक है। ये सेंटिनरी। नेक्स्ट है वर्ड कोई? अच्छा, आज वोकैबुलरी के ये वर्ड्स हमारे सामने पूरे हो। मैं एक दफा और एक्सप्लेन कर दूं और कुछ वर्ड्स ऑप्शंस में होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली स्लाइड से हम दोबारा से चलना शुरू करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलें। अच्छा जी पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था, अच्छा शुरू से अब तक जो वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं शुरू से लेकर चलते हैं ताकि सबका रिवीजन एक साथ हो। मैं वर्ड्स पुकारूंगा, आप ऑप्शन पुकारेंगे, हालांकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन बुलंद आवाज से खुद जरूर मुझसे कहिएगा सही ऑप्शन क्या है, वो वर्ड पुकारिएगा। जैसे बीडेकर है ट्रैवलर्स गाइड बुक, है ना, इस तरह से, तो आपको इस तरह से रिवाइज हो जाएगा। बीडेकर ट्रैवलर्स गाइड बुक, इसकी डिटेल मैंने बताई थी। नेक्स्ट, बेफल मींस कंफ्यूज, यानी नर्वस कर देना। थर्ड वर्ड है आपके पास बैम्बूजल, ये बेफल का ही सिनोनिम है और इसकी मीनिंग है टू मेक नर्वस। तो कंफ्यूज या टू मेक नर्वस या बैम्बूजल या बेफल, चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स, यानी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देखिएगा बाम, ये बाम का वर्ड जो है सुकून बख्शना, है ना, सूद, इसके मीनिंग है सूद, राइट। नेक्स्ट देखिए बैंडोलियर, तो बैंडोलियर जो है ये क्या है? शोल्डर बेल्ट, ना अंडर गार्मेंट है, ना लेस ऑफ शू है, ना पाउच, शोल्डर बेल्ट। खास तौर से जो पुलिसमैन गन रखने के लिए शोल्डर पे बेल्ट बांधते हैं, या उनकी वर्दी में एक क्रॉस में एक बेल्ट होती है चेस्ट पर जिसमें गोलियों के कारतूस लगे होते हैं, उसे कहते हैं बैंडोलियर। गब्बर सिंह ने जो लगा रखा था ना अपने सीने पे, पहन रखी थी,
कारतूसों की एक बेल्ट जो अक्सर वो हाथ में भी लहराता था शोले फिल्म में, तो वही कहलाती है बैंडलियर। नेक्स्ट देखिएगा बास्क, ये बास्केट वाला वर्ड है। अब अगर बास्क बास्केट से निकला है तो शक्ल आपके दिमाग में आ गई कि मैंने दो दरख्तों के बीच में एक बास्केट सी बनाई थी जिसमें लोग धूप लेने के लिए लेटते हैं। तो यह लग्जरिएट इन द प्लेजेंट वार्म्थ, यानी खुशगवार धूप का मजा लेना। तो ये सर्दियों में अमून या गर्म जो यूरोप में गर्मियां आती तो ये लिया जाता है, सन बाथ जो लिया जाता है उसको कहते हैं बास्क। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बैटर, मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि बैटरी से बना है, बैटरी कहते थे तोप को, और तोप को इसलिए कहते थे कि तोप लोहे के गोले दुश्मन के किले पर बरसाता था, तो बार बार जो है स्ट्राइक करने को कहते हैं बैटर, दैट मीन्स टू स्ट्राइक रिपीटेडली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बाई कैमरल, तो मैंने बताया था कैमरा एक्चुअली इटालियन वर्ड है और कैमरा के मीनिंग होते हैं रूम यानी कमरा। हमारे यहाँ जो उर्दू में वर्ड आया ना कमरा, ये इटालियन वर्ड था कैमरा, वहीं से आया। और बाई का मतलब होता है टू, तो हैविंग टू चैम्बर्स यानी दो खानों वाला या दो कमरों वाला। नेक्स्ट देखिए कोई भी डब्बा या कोई भी चीज हो अगर उसमें दो खाने हैं तो हम कहते हैं बाई कैमरा। कैननेड, कैनन भी तोप को कहते हैं और कैननेड इसका वर्ब है, तो यहाँ पर है कंटिन्यूस गन फायर, कंटिन्यूस गन फायर मुस्तकिल गोलाबारी को कहते हैं कैननेड। यहाँ गन का मतलब तोप है, बंदूक नहीं। आगे चलें सीजेरियन, मैंने बताया था जूलियस सीजर से बना है, जूलियस सीजर के साथ एक झूठी कहानी मंसूब की जाती है उमन, तो वो मैंने बताया था सर्जिकल ऑपरेशन को कहते हैं। ये जो ऑपरेशन से जो बच्चे विलादत पाते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सीजेरियन, ठीक है ना, सर्जिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा केरेस, मैंने आज बताया फॉन्डल, हाथों से प्यार से हाथ से छूने को कहते हैं फॉन्डल। नेक्स्ट देखिएगा कैलो कहते हैं इनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर, तो इनएक्सपीरियंस्ड यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट है, इमेच्योर होता है उसको बेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉल्ड्रॉन, मैंने एक्सप्लेन किया अ लार्ज कैटल समावार जिसे हम कहते हैं, बड़ी सी कैटल होती है समावार, इसे कहते हैं कॉल्ड्रॉन। ये टर्की ईरान वगैरह में बहुत नजर आती है, अगर आप टर्की या ईरान वगैरह की पिक्चर्स देखें नेट पर तो उसमें सुनहरी रंग की या चांदी की ये कॉल्ड्रॉन आपको बहुत बड़ी नजर आ जाएगी वाजह। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट वर्ड है कैमियो, कैमियो मैंने कहा माइनर रोल, एक ऐसा रोल जो किसी ड्रामे या थिएटर में या फिल्म में हो, माइनर हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अमिताभ बच्चन की मिसाल देकर आपको समझाया था। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेंसर, और सेंसर के लिए मैंने कहा था ये जो हवन में आग जलाई जाती है और लोबान की धुनी दी जाती है, तो हवन जो है ना जिसके अंदर आग जलाई जाती है इसको कहते हैं सेंसर। वैसे हमारे यहाँ मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ जो है अगरदान इस्तेमाल हुआ करता था, अगरदान, जरा कैमरे पर वापस आइएगा मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ मिलाद वगैरह में कुरान खानियों में एक चीज इस्तेमाल होती थी, अब तो लोग जाहिर है कि कल्चर से बहुत दूर हो गए, हम तो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को ही कॉपी कर रहे होते हैं और रूम स्प्रे छिड़क देते हैं, वरना एक चीज इस्तेमाल हुआ करती थी जो इस शक्ल की होती थी, लंबी सी, जिसमें यहाँ सुराख होती थी, ठीक है ना, चांदी की होती थी और यूं रख दी जाती थी सरफेस पे, और इसके ऊपर अगरबत्तियां खड़ी कर दी जाती थी सुराखों में एडजस्ट करके इस तरह से, ठीक है ना, और वो जला दी जाती थी तो उनमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। ये छोटी सी चीज होती थी, पतली सी, अगर दान कहना, ठीक है ना, तो सेंसर एक्चुअली अगर दान को भी, हमारे यहाँ अगर दान होता, हिंदुओं के यहाँ हवन होता, हवन हिंदी में हवन कहते हैं, हमारे उर्दू में अगरदान कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंसर, क्योंकि उसमें इंसेंस को बर्न किया जाता है। ठीक है,